City. Today in Super Education City, I'm going to teach class 8, 7th, and I'm teaching you chapter 3, and this is your part 2. In part 1, we have completed half explanation, and in part 2, we will move to another explanation. So let's get started. And for a kind information, अगर आपको ऐसी ही बहुत सारी videos चाहिए, तो मेरे channel को subscribe करें और क्लास 8 सिविक्स पे जाके क्लास 8 सिविक्स प्लेलिस्ट पे जाके आप और वीडियोस देख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. आवर टुडेज टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम द रोल ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज क्रिएटेड आफ्टर 1947. व्हेन आवर इंडिया इज इंडिपेंडेंट द पार्लियामेंट इज क्रिएटेड. तो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक्सप्रेशन है फेथ का जो हम पीपल्स को है, हमारी प्रिंसिपल्स पे डेमोक्रेसी के. ये पार्लियामेंट और कुछ नहीं है, ये है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट. जो पार्लियामेंट है वो हमारे सिस्टम का, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वे हम पीपल्स चूज करते हैं. इलेक्शंस जो पार्लियामेंट के हैं वे सिमिलर होते हैं लोकसभा की तरह ही और स्टेट लेजिस्लेचर की तरह. जो लोकसभा है वो यूजुअली इलेक्ट की जाती है 5 साल में एक बार. जो कंट्री है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है. एक आपके पेज नंबर 41 क्वेश्चन आंसर वाले पेज पे दिखाया हुआ है. और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होता है, एक एमपी इलेक्ट होता है, और वो एमपी जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो एमपी होते हैं ये जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये एमपी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं. सो अब देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है आपको तीन. सो ये जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, व्हाट इज इट, इट इज नथिंग, ये हमारा पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद. ये सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है. इसके दो हाउसेस हैं, वन इज इट्स राज्यसभा एंड अनदर इज इट्स लोकसभा. राज्यसभा और लोकसभा. राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इट हैज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर एंड इज चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट. वेयर इज लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल. इट हैज टोटल मेंबर्स 545 एंड इट इज पर्सुएटेड बाय द स्पीकर. सो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा. दिस इज योर पार्लियामेंट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्टूडेंट, दिस इज अ पिक, सॉरी दिस इज नॉट स्ट्रेट. ये 2014 में, इन मई 2014 लोकसभा इलेक्शन हुए थे. कौन से लोकसभा इलेक्शन हुए थे, रिजल्ट था ये लोकसभा 16th लोकसभा इलेक्शन का जो मई 2014 में हुए थे. तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई हैं यहाँ पे, और उनके कितने एमपी सेलेक्ट हुए वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो देखिए कितने किसके हुए, मैं नेशनल पार्टीज के बता रही हूँ बस. बीजेपी हमारी 6 नेशनल पार्टीज हैं, बाकी सब रीजनल पार्टीज हैं. बीजेपी के 282 थे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे 1. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPM इसके थे 9. INC के थे 44 एंड NCP के थे 6. ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इट्स टू ईजी फॉर यू ऑल. अब 543 इससे मेंबर्स इलेक्ट हो गए थे. ओके, अगर हम इन सबको जोड़ें तो 543 बैठेंगे. अब नाउ यू ऑल विल सी मैम, बट लोकसभा में तो 545 मेंबर्स होते हैं या स्टूडेंट्स, लोकसभा में 545 होते हैं, क्योंकि दो जो मेंबर्स होते हैं वे एंग्लो इंडियंस होते हैं, वे इन पार्टीज में से नहीं होते हैं. अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें देखते हैं. यूज द टेबल, इस टेबल को देखो और आंसर करो. हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड व्हाई, कौन सी कंट्री अपनी गवर्नमेंट बनाएगी. सो एज मी 282 नेशनल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, बिकॉज दे हैव द मोस्ट इलेक्टेड मेंबर्स, मोस्ट MPs फ्रॉम ऑल द गवर्नमेंट्स. नाउ हु विल इन द प्रेजेंट डिस्कशन इन द लोकसभा, आपको अपने आप बता सकते हैं इस टाइम आपके लिए प्रेजेंट डिस्कशन में कौन है लोकसभा में. इज दिस प्रोसेस सिमिलर टू वट यू हैव रीड इन क्लास 7. इट इज नॉट फुली सिमिलर बट वी कैन से इट मैचेस टू इट. ओके, अब ये जो नीचे का क्वेश्चन है, एक पेज नंबर 28 दे रखा है आपको, उस पेज नंबर पर आपको इसके पिक्चर दी हुई है, तो उससे ही आपको इसका आंसर करना है. मैं वो पिक्चर नहीं लगा पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट आप उसका आंसर कर सकते हैं बिकॉज इट्स टू ईजी. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे भी यही आ रहा है,
यह रिजल्ट 15th लोकसभा इलेक्शन का जो मई 2009 में हुए थे। ओके, इट हैज मैनी नेशनल पार्टीज, देख लेते हैं इसकी। इसमें BSP ने 21 थे, BJP 116, CPI 4, CPM 16, INC 2206, NCP 9, RJD 4। नाउ इसमें हमें क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी? हमें लगेगा कि INC नेशनल इंडियन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। नो, नेशनल इंडियन कांग्रेस के पास इतनी वोट है ही नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपके पास 543 से हाफ 272 और अबव वोट होने चाहिए। तो अब INC क्या करेगी? ये कुछ अदर पार्टियों के साथ, जैसे ये मिल जाएगी समाजवादी पार्टी के साथ, इन पार्टीज के साथ मिल जाएगी और इनकी वोट भी अपने अंदर ही ले लेगी। इससे क्या होगा? इससे कॉलिएशन फॉर्म होगा और इनकी वोट जो है वो पूरी हो जाएंगी। इसके बारे में बताऊंगी आपको। देन जस्ट अ मिनट, ये नीचे आपका एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है वुमेन्स, ये देखिए ये वाला पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ व्हाट्स रिटन इन दिस। ये जो टेबल है ये हमें रिजल्ट दे रही है 15th लोकसभा इलेक्शंस का जो हेल्ड हुआ था 2009 में। इन दीज इलेक्शंस द INC गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स बट स्टिल नॉट इनफ टू इमर्ज एज द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। इट दस हैड टू फॉर्म अ कॉलिशन द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु वर इट अलायंसेस। नाउ आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ बढ़ते हैं, वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स, एक बार हम इन कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP बन जाते हैं। ये जो MP हैं ये एक साथ वर्क करते हैं पार्लियामेंट में। एक बार इलेक्शन जब पार्लियामेंट के हो जाते हैं तो पार्लियामेंट को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, 3 मेजर फंक्शंस हैं। तो इस वीडियो में हम एक मेजर फंक्शन को ही देखेंगे, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। देखिए जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो कंसिस्ट करता है प्रेसिडेंट को, राज्यसभा को, लोकसभा को। जब लोकसभा के इलेक्शन प्रिपेयर हो जाते हैं और लिस्ट प्रिपेयर होती है कि कितने MP किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, सो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट दे मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs। तो जैसे 4543 मेंबर्स हैं और 2 एंग्लो इंडियंस हैं, सो मेंबर्स इन लोकसभा होते हैं। सो मेजॉरिटी पार्टी को कम से कम 272 मेंबर्स चाहिए, MP 272 MP चाहिए या उससे ज़्यादा। जो अपोजिशन है पार्लियामेंट में जिसके पास थोड़े कम मेंबर रह जाते हैं, वो बनती है उन पॉलिटिकल पार्टीज से जिनकी थोड़े कम मेंबर्स रह जाते हैं, अपोजिशन ऑफ इन पार्लियामेंट हमको उनको कह देते हैं। जो लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। और जैसे बहुत सारी अपोजिशन पार्टी बन जाती है ऐसे, तो अब एक ये मान लीजिए ये बन गई हमारी मेजॉरिटी पार्टी, सो ये सारी तो अपोजिशन है पार्लियामेंट में। सो इनमें से सबसे ज़्यादा MP फिर किसके पास है? फिर मान लीजिए कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हाट इज यूज्ड वी टर्म द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का वो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में। फ्रॉम द MP हु बिलोंग टू हिज पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विद हिज इम्प्लीमेंट डिसीजंस। फिर दीज मिनिस्टर्स दैन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे, कभी कभी रिसेंट पास में हमने देखा है कि डिफ़िकल्ट होता था एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वे बहुत ज़्यादा वोट्स ले सके गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो वे क्या करते थे, वे बहुत सारी पॉलिटिकल अदर अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्वाइन हो जाते थे, जो इंटरेस्ट होते थे उनके साथ ज्वाइन होने में, और इससे कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी। और अब ये पेज है, ये आप दो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, एक है इनमें नॉर्थ ब्लॉक और एक है इनमें साउथ ब्लॉक। दिस वन इज योर साउथ ब्लॉक। ओके, दिस इज योर साउथ ब्लॉक एंड दिस इज योर नॉर्थ ब्लॉक। सो वेयर इज दिस? ये जो साउथ ब्लॉक है ये प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस है, PMO, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का भी ये ऑफिस है। जो नॉर्थ ब्लॉक है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिस है। जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं वे यूनियन गवर्नमेंट में ही, कि वे दिल्ली में अलग अलग जहाँ लोकेलेटेड हैं।
अब जो राज्यसभा है वो फंक्शन करती है प्राइमरली इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है वो लेजिस्लेशन को इनिशिएट करती है, और जो बिल है होता है ऑर्डिनरी बिल होता है वो राज्यसभा में से पास होना जरूरी है ताकि वो लॉ बन सके। राज्यसभा उसको देखती है, उसको अल्टरनेटिंग करती है अगर अल्टरनेशन की कोई ज़रूरत है लॉ को, और जो लोकसभा ने भेजा है, जो मेंबर है राज्यसभा के वे इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स के द्वारा, और इसमें 233 मेंबर्स होते हैं, और इसमें 12 मेंबर्स और होते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नॉलेज ऑफ आर्ट साइंस लिटरेचर एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शन क्या परफॉर्म करती है पार्लियामेंट, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए। थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी टिल हियर। अगर कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। माय टेलीग्राम चैनल नेम इज सुपर एजुकेशन सिटी। थैंक यू।